पहले मैंने बताया था इसके कैसे औरत मीलिंग करते हैं, सातों चक्रों की कैसे मीलिंग करते हैं और घर की नजर कैसे निकालते हैं, शुद्धता कैसे करते हैं। आज मैं बताऊंगी इससे क्रिस्टल्स को कैसे क्लियर करते हैं पूरा का पूरा। तो बहुत आसान है ये, आपको रेडीमेड ऐसे ही मिलेगा पूरा का पूरा, और इसको पूरे पे जलाना है और इसका बस धुआं दिखाना है क्रिस्टल्स को, और तीन बार घुमा करके क्लॉकवाइज और फिर साथ में रख दो। जब भी आप घुमाओ इसको यूज करो, क्रिस्टल को क्लियर करो, तो या इसको कैसे भी यूज करो सेज को, तो इंटेंशन अफर्मेशन जरूर डालो मन में बोल करके या ऐसे बोल करके, जैसे कि आप इसको घुमाओगे तो बोलो कि सारे क्रिस्टल्स क्लियर हो रहे हैं, प्योरीफाई हो रहे हैं, पूरा का पूरा एकदम क्लियर हो रहे हैं, क्लीन हो रहे हैं। और इस तरह से बोलते हुए आप उसको फिर ऐसे ही इसको यूज करना है, उससे इफेक्ट बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। अब मैं इसको जला के दिखाती हूँ आपको, बहुत आसान है और ये अपने आप ही बुझ जाएगा, जितना जलना है इसको उतना ही जलेगा। इसको एक बार अच्छे से जला दो, नीचे कोई भी लोहे का बर्तन रख सकते हो ताकि इसमें वो टपकता रहे, जितना रहे बाकी नुकसान नहीं हो। गैस के ऊपर भी रख सकते हो आप इसको, इसको अब है क्लॉक वाइज घुमाते रहो। ये तेज जो है हमारे सारे क्रिस्टल्स को पूरा क्लीन कर रहा है, एकदम प्योर कर रहा है, प्योरीफाई कर रहा है, एकदम सारी नेगेटिविटी निकाल रहा है और क्लीन क्लियर कर रहा है पूरा का पूरा, पूरा एकदम हमारे क्रिस्टल्स बहुत शुद्ध हो रहे हैं, बहुत शांत शुद्ध हो रहे हैं, सारी नेगेटिविटी निकल रही है इसमें से, और ये हमारे लिए बहुत उत्तम काम करेंगे और पूरे शुद्ध होकर के अभी वाइब्रेशन हमारे पूरे घर में पूरे परिवार के लिए बहुत अच्छा वाइब्रेशन देंगे ये। ऐसे करके तीन बार करके और उसको नीचे बर्तन में रख दो ताकि ये अपना धुआं इससे निकलता है, छोड़ता रहे और इसकी क्लीनिंग इसकी होती रहे, प्योरिफिकेशन इसका होता है। और इसी तरह से जैसे मैंने पहले भी बताया था, फिर से रिपीट करती हूँ, इसी स्टेज को लेकर के जब जल रहा है ये धुआं निकल रहा है, तो घर में एंट्रेंस से लेकर मेन गेट से लेकर इसको अंदर लाओ और हर एक घर के हर एक कोने में, हर एक मतलब कमरे के अंदर इसको घुमा दो आराम से धीरे धीरे करके, हर एक कमरे में ला करके, और बीचों बीच में आप ऐसे रख सकते हो ग्लास के अंदर या किसी बर्तन में रख सकते हो ताकि धुआं पूरे घर में फैलता रहे और इतनी शांति बनी रहेगी और किसी नजर नहीं लगेगी, या फिर थोड़ा जो बोलते हैं कि ये हो गया वो हो गया सब क्लियर कर देगा, घर से बाहर निकाल देगा, खिड़कियाँ खोल कर रखो ताकि जो धुआं है वो अपनी नेगेटिविटी के साथ पूरा पूरा बाहर निकल जाए। ठीक है, और ये सेज हम अभी बात कर रहे हैं लेकिन हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो बहुत बुजुर्ग लोग हैं, ये बहुत सालों से इसको यूज़ करते आ रहे हैं इसका, उसके बारे में पहले नहीं मालूम था हम लोगों को भी, लेकिन जब उनसे पूछा तो तब बताया, क्योंकि घर में रोज जला करता, हमने कहा जल रहा है अपना नेगेटिविटी निकल रही है और सब खुश हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो आल बबाल जो बोलते हैं वो घर के बाहर निकल रहा है। पर जब हमने पूछा तब पता लगा कि इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है और ये ऐसे ही नहीं है, क्योंकि बुजुर्ग लोग जो बोलते हैं वो कभी गलत नहीं होता और उनके एक्सपीरियंसेस को हमें आपस में शेयर भी करना चाहिए। तो ये सेज एक बहुत अच्छी चीज़ है, आप चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं।